हाँ, तो लास्ट में मैंने आपको जो एट्रीब्यूट बताए थे उसके बाद अब मैं यहाँ पे अलाइंज यूज़ कर रहा हूँ टीडी में। पहले आपको टेबल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये है मेरी टेबल, और इस टेबल में मैं यहाँ पे अलाइंज यूज़ कर रहा हूँ राइट साइड में। तो मैंने अलाइंज जैसे ही राइट साइड में यूज़ किया तो अलाइंज राइट साइड में यूज़ करते ही आपका मंडे जो हुआ वो राइट साइड में आ गया। और अगर इसी टाइप से मैं दूसरे अलाइंज यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे अलाइंज मैंने राइट यूज़ किया है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये दूसरा जो अलाइंज है यहाँ पे स्पेस देके कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको राइट न करके मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस और आपका ऑल टैब, देखिए ये आपका हिंदी सेंटर में आ गया। तो इस टाइप से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अलाइंज यूज़ करना है। अलाइंज के अलावा दूसरा है अलाइंज में, यहाँ पे टीएच में भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। एक टीएच में भी यूज़ कर लेता हूँ, तो टीएच में यहाँ पे पहले मैं अलाइंज यूज़ कर लेता हूँ, एक कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी मैं राइट साइड ही कर लेता हूँ, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। देखिए पीरियड्स आपका अभी ये लेफ्ट राइट साइड पे आ गया। ठीक है, ऐसे सेंटर में ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे आप अलाइंज यूज़ कर सकते हैं। अलाइंज के अलावा दूसरा ऑप्शन है, जैसे अभी यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है सबका अंदर अलग अलग कलर आ रहे हैं, तो अगर कलर मुझे चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे इसी के बाद पीरियड्स वाले में अलाइंज पहले मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, क्योंकि सेंटर ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, सेंटर के अलावा मैं यहाँ पे आपका यूज़ करना चाहता हूँ बीजी कलर। तो बीजी कलर में इक्वल लगा के इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। देखिए ये आपका सेंटर में भी आ गया और ये ग्रीन कलर में भी आ गया। तो अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग मैं कलर फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बीजी कलर की हेल्प से मैं सारे टीएच में सारे टीडी में लगा सकता हूँ, लेकिन इस टीआर को छोड़ के, इस टीआर को, ये टीआर, ये वाला टीआर और ये वाला टीआर, इन टीआर को छोड़ के मैं सब जगह एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो हो गए। इसके अलावा एक और आपका तीसरा है जिसमें आप बॉर्डर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉर्डर कलर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर भी यूज़ करके देखते हैं। टीडी में यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर यूज़ कर रहा हूँ, बॉर्डर कलर आपका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन कलर का या फिर रेड, रेड नहीं, रेड तो ऑलरेडी है उसमें, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ। नहीं यार, बॉर्डर कलर में या तो स्पेस है, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। बॉर्डर कलर नहीं शो कर रहा, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब नहीं आ रहा। तो बॉर्डर कलर नहीं यूज़ होगा, पता नहीं यहाँ इन्होंने कैसे दिया है, लेकिन बॉर्डर कलर अभी यूज़ नहीं कर रहा है इसमें। इन्होंने दिया है टीडी में बॉर्डर कलर लगाया है, स्पेलिंग भी ठीक है बॉर्डर कलर की, लेकिन हो सकता है कभी कभी वर्क नहीं करता है। ठीक है, और हो सकता है कि बॉर्डर कलर इसलिए भी नहीं आ रहा हो क्योंकि हमने ऊपर वाले में बॉर्डर कलर ऑलरेडी लगा रखा है, तो पहले ऊपर वाला बॉर्डर कलर हटाता हूँ तब शायद ये वर्क कर जाए। कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब अब आने लगा, सबका अलग अलग बॉर्डर कलर आ रहा है। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर में स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एस और विंडो टैब, नहीं बॉर्डर कलर अब भी नहीं दे रहा, बॉर्डर कलर का यूज़ नहीं है। फिलहाल दो ही एट्रीब्यूट है आपके, बॉर्डर में आपके यहाँ अलाइंज यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आपका अलाइंज के अलावा बीजी कलर। तो ये दो ऑप्शन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका रो स्पेन और कॉलम स्पेन का क्या यूज़ है। हाँ, तो रो स्पेन और कॉल स्पेन का और यूज़ देखते हैं कि रो स्पेन और कॉल स्पेन कैसे यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमें, अभी हमारी ये टेबल है,
इस टेबल में मुझे यहाँ पे जी सेकंड नंबर का मुझे हटाना है, ये मैं यहाँ से सेकंड नंबर हटा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन यूज़ कर लिया, और कॉल स्पैन में मैंने यहाँ पे दो कॉलम अगर ज्वाइन कराए हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऐसी का ऐसे ही नॉर्मली इफेक्ट दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे। देखिए ये आपके फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक लाइन थी वो एडजस्ट कर दी, तो वहाँ पे मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट के बाद जो सेकंड था वो पूरा हटा दिया। अब वहाँ सेकंड की जगह जो लास्ट में है वहाँ थर्ड की जगह मुझे सेकंड ही लिखना है, तो यहाँ थ्री जो लिखा हुआ है इस जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ ये, ठीक है। और कंट्रोल एस कर दिया, देन आफ्टर विंडो टैब। अब इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश दोनों में, सेकंड पीरियड में इंग्लिश दोनों में है, तो यहाँ पे मुझे एक ही कॉलम चाहिए। तो इस टाइप से अगर मुझे करना है तो यहाँ के लिए मुझे जो है रो स्पेन लगाना होगा, तो रो स्पेन मेरे यहाँ इंग्लिश में सेकंड वाले में चाहिए। तो एक में अगर मैं इंग्लिश हटा दूँ और उसमें रो स्पेन लगा दूँ तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन करा लेगा दूसरी वाली लाइन को, ठीक है। तो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, लास्ट वाले में यहीं लगा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपका रो स्पेन। तो रो स्पेन अगर मैंने लगाया है यहाँ पे दो के को दो कॉलम के लिए, और देखिए पहले इस चीज़ें मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ कि चेंजेस क्या आएंगे। ये देखिए इंग्लिश आपका डबल हो गया और ये नया आगे बढ़ने लगा, एक एक्स्ट्रा आपके पास इंग्लिश आ गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इंग्लिश है इसको मुझे हटाना है, क्योंकि यही आपका मुसीबत हो जाएगी यहाँ पे कि इंग्लिश तो वो यहाँ पे सही चल गया टेबल, जो एक्स्ट्रा एक इंग्लिश है वो मुझे थर्ड वाली लाइन में एक्स्ट्रा है, तो उसको मुझे हटाना है। तो नीचे थर्ड वाली जो लाइन है, नीचे जो टी डी है, इस वाली लाइन में ये वाली लाइन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। देखिए अभी आपका रो स्पेन और कॉल स्पेन दोनों यूज़ हो गए, ऊपर वाला जो कॉल स्पेन है जिसमें मैंने दोनों कॉलम को एक साथ कर दिया है, और यहाँ पे आपका रो स्पेन है जहाँ पे दो सब्जेक्ट इंग्लिश थे तो मैंने दोनों कंबाइन करके रो स्पेन का भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं इतना पहले आप यूज़ कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका लास्ट टॉपिक है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और उसके अलावा एंकर टैग, ठीक है। और एंकर टैग में आपके कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना ये यूज़ करिए और इसमें ये सारे एट्रीब्यूट लगा के देखिए, और फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपको एक होमवर्क में भी देता हूँ कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें टाइम टेबल में आपको पीरियड्स, और यहाँ पे मैंने दो ही दिए हैं, आपको चार पीरियड का बनाना है, और उसमें रो स्पेंड और कॉलम स्पेंड यूज़ करके बतानी है दो दो, ठीक है। तो आप बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपका कैसा रहा फीडबैक, फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है।